आज KMN4 के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। KMN4 के बारे में बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा भी है कि KMN4 का रोल हमारे पास में क्या। तो KMN4 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पास में जो ऑर्गेनिक के अंदर है, इसका एसिडिक और बेसिक मीडियम का रोल चला करता है। एसिडिक और बेसिक मीडियम, बेसिक में हम इसको बोलते हैं एल्कलाइन, एल्कलाइन मीडियम का। तो हमारे एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन की बहुत अच्छी प्रोग्रेस करा करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई प्राइमरी अल्कोहल है और उसके ऊपर अगर हमने KMN4 डाल दिया तो ये आपका CH3CHO बनाएगा पहले और फिर CH3COH बनाएगा। कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए। हमारे पास में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हमारे पास में कहीं पर सेकेंडरी हुआ करता है, हमारे पास में अगर कहीं सेकेंडरी होता है तो उस समय पर हमारे पास में क्या होगा, इसके साथ ऑक्सीडेशन करेगा और ऑक्सीडेशन अगर ऐसे लिया और विग्रस अगर हमने ले लिया मतलब फिर से कंटिन्यू करेंगे तो ये क्लीवेज भी कर देता है। हमारे पास में क्या बनेगा, CH3CO, ठीक है, COH हमारे पास में बन जाया करता है और इधर की ओर भी हमारा एसिड बनता है। और थोड़ी देर में अगर ये चाहे ऐसी कंटिन्यूटी बनी रही तो ये एसिड हमारा CO2 और H2O बदल जाता है, सस्टेन कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा विग्रस करेंगे तो ये फॉर्मिक एसिड को रहने नहीं देता है कभी भी। यही प्रॉपर्टी इसकी हमारे पास में यूजफुल हुआ करती है जब हमारे पास में कहीं पर कोई एल्कीन होता है, उस एल्कीन के ऊपर हमारे पास में जैसे ओजोनोलिसिस होती है, O3H2O होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो मैंने अपने ओजोनोलिसिस वाले वीडियो में भी ये समझाया है कि यहाँ पर ये हमारे पास में एसिड बनेगा और यहाँ पर ये हमारे पास में एसिड बनेगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। लेकिन हमारे पास में ओजोनोलिसिस तो खुद ऑक्सीडेटिव होती है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज टाइप में होता है। हमारे पास में अगर KMN4 है और ये H+ की प्रेजेंस है, ठीक है, हीटिंग वगैरह कर रहे हैं, इसको हीट अगर हम करते हैं तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि एसिड तो बनाएगा, यहाँ भी एसिड है, ये भी एसिड है, लेकिन ये वाला एसिड आपका बहुत जल्दी CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब KMN4 अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होने की वजह से फॉर्मिक एसिड को नहीं रुकने देता, उसे CO2 और H2O में कन्वर्ट हमेशा करा दिया करता है। जब हम बेसिक मीडियम होते हैं, बेसिक मीडियम का मतलब एल्कलाइन मीडियम, मतलब pH की वैल्यू हमारे पास में 7 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस समय पर हमारे पास में ये अपना काम करता है हाइड्रोलिसिस के रिस्पेक्ट में। इस तरह से मतलब अगर मेरे पास में इस तरह से दिया हुआ है तो अगर KMN4 मेरे पास है बेसिक मीडियम वाला एल्कलाइन KMN4, तो ये सिन अटैकर होता है। सिन अटैकर का मतलब जो खाली पड़ी हुई साइट्स हैं उन पे जाकर के अटैक कर देगा, मतलब यहाँ पर ये दो खाली हैं तो यहाँ लग जाएगा और बनने वाले प्रोडक्ट का नाम हुआ करता है मीजो। इसी तरह से हमारे पास में दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, कब बात करेंगे कि अगर ये इस तरह से दिया हुआ है ऐसे और यहाँ पर KMN4 एल्कलाइन है बेसिक मीडियम में, तो यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, मतलब एक डी फॉर्म बनेगी और एक एल फॉर्म बनेगी। तो KMN4 के ये रोल हमेशा ध्यान रखे रहिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा करता है अपने आप में। इसीलिए हम आगे जब बात करेंगे कि कहीं पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता, ऐसी रिएक्टिविटी भी इसके अंदर है। तो आपका एसिडिक मीडियम इस तरह से हो जाना, सेकेंडरी अगर है तो कीटो, कीटो से हम इसको दो हिस्सों में, मीन विग्रेस ऑक्सीडेशन अगर होगा तो इस तरह से काम करेगा। ओजोनोलिसिस हमारे पास ऑक्सीडेटिव है तो फॉर्मिक तक ही रुके रहेगी, लेकिन KMN4 अगर है तो CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या था KMN4 से रिलेटेड छोटी सी बात मुझे आपको समझानी थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ ले लिया। ऐसा जो सिन अटैक है, मीन्स ऐसे ही OH लगना, एक और साथी करता है OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इस काम को करता है, लेकिन अगर हमारे पास में परॉक्सी एसिड हैं तो वो इस काम को नहीं करते, वो इससे उल्टे काम को करते हैं, मीन्स वो एंटी अटैकर होते हैं। ये सिन अटैकर था, वो एंटी अटैकर होते हैं। तो KMN4 का जो थोड़ा सा दिमाग में कन्फ्यूजन चलता रहता है, होता रहता है, उसको मैंने यहाँ पर आपके दूर करने की कोशिश करी है। और इससे ज़्यादा इसके अंदर KMN4 के अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं आती है। हाँ, थोड़ी सी इसकी बात जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, वो हमारे पास में क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर इसका एक अटैक हुआ करता है और शायद आप में से कुछ बच्चों ने इस चीज़ को पढ़ा होगा। मैं उन रिएक्शंस की यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये एडवांस में आएंगी नहीं आएंगी वो अलग बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप डर के मत जाइए, आप चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। अगर मेरे पास में KMN4 दिया हुआ, जैसे मेरे पास V2O5 दिया होता है, इसकी रिएक्शन पड़ी होगी तो ये इसको ब्रेक कर देता है। बेसिक मीडियम हमारे पास में अगर होगा, कुछ भी होगा हमारे पास में, इसको एसिडिक मीडियम ब्रेक कर देगा, ठीक है, अगर हम करेंगे। अब इसके अंदर भी हमारे पास में दो चॉइसेस हो जाती हैं। एक चॉइस हमारे पास है, मान लीजिए मेरे पास ये लगा हुआ NO2-N ग्रुप और KMN4 डाल दिया, एक मेरे पास में क्या लगा हुआ है +N ग्रुप और KMN4 डाल दिया। यहां पे क्या होता है, इस रिंग को तोड़ता है, जो
प्लस एम रिंग होती है, मतलब वो रिंग जो जो कैसी है इस तरह से है, इसको ब्रेक करेगा और इन दोनों में से इसको करेगा, मतलब ये माइनस एम वाली रिंग को अफेक्ट नहीं करता है, इसका जो जोर होता है वो प्लस एम की रिंग की होता है। ये माइनस एम ग्रुप है, इसको नहीं कहेगा, इसे तोड़ देगा, और यहां पर भी हमारे पास में ये प्लस एम है, ये ऐसा ही है, तो ये इसको तोड़ता है। जब इसको तोड़ता है तो इसके पास में जो बनेगा वो बनेगा सी ओ एच, इसको तोड़ेगा तो बनेगा सी ओ एच। मतलब ध्यान रखेंगे, हमारे पास में हमेशा प्लस एम वाले को ये तोड़ेगा, माइनस एम वाले को कुछ नहीं कहेगा, या तो ऐसे टूट के ये सी ओ एच बनेगा, या ऐसे टूट करके ये सी ओ एच सी ओ एच बनेगा। ये हमारे पास में प्रोसेस डेवलप हुआ करती है। ये केमेनोफोर का एक और इम्पोर्टेंट रोल है। अब केमेनोफोर का एक रोल हमारे पास में और आता है, वो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि केमेनोफोर अगर मेरे पास में कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, मतलब बेंजीन से नेक्स्ट पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पर मैंने केमेनोफोर ले लिया, ये केमेनोफोर बेसिक मीडियम ओएच करके हीटिंग करके डाल देते हैं, इस सबको ख़त्म कर देता है, और ख़त्म करने के बाद में यहाँ पर बनाता है सी ओ एच। मीन्स अगर मेरे पास में कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है, ये एम्स में भी काम आ सकते हैं, ये जो एस्पेक्ट्स में बता रहा हूँ, ये जे वांस के लेवल के साथ साथ एम्स में भी आपके काम आ सकते हैं। सिंस यहाँ पर हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे केस में ये उड़ेगा और बेंजीन रिंग उड़ जाता है, और उस बेंजीन रिंग का हम क्या बना देते हैं, सी ओ एच बना देते हैं। फिर से समझेंगे, अगर मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है इसको सी ओ एच में, मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसको सी ओ एच में। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में बहुत जल्दी से आता है कि अगर ये रहा तो क्या होगा, या फिर ये रहा तो क्या होगा। दोनों ही केस में हमारे पास में यही उड़ा करते हैं, क्योंकि होता क्या है, अगर आपने पढ़ा हो तो बेंजीन रिंग और डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग और ट्रिपल बॉन्ड में से ज़्यादा रिएक्टिव ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ वाले में हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सी ओ एच, यहाँ वाले में हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है सी ओ एच। मतलब इस ट्रिपल बॉन्डेड को उड़ाएगा, ये डबल बॉन्डेड को उड़ाएगा, बेंजीन रिंग को कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पर भले से हमें हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा, हम सोचते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा केवल हमारे पास में यहाँ पर लगी हुई सिंगल बॉन्डेड चेन के लिए वैलिड है। सिंगल बॉन्डेड चेन का मतलब समझते हैं? यस, बिल्कुल सही बात है, एक एल्केन टाइप की चेन है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन है सी ओ एच बनेगा, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है बेंजीन रिंग उड़ेगा, बेंजीन रिंग खत्म हो जाएगा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है, एच है ये सोच के कि बेंजाइलिक है, नहीं बेंजाइलिक नहीं, डबल बॉन्ड वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता उड़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता उड़ जाएगा, ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास में होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ कुछ भी हो कितनी लंबी चेन सी एच बनेगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजीन नहीं उड़ेगा, लेकिन यहाँ अगर ट्रिपल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है तो वही उड़ेंगे, ट्रिपल और डबल वाले, रिमेंबर इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। तो केमेनोफोर के हर एस्पेक्ट्स, जितने भी तरह के एस्पेक्ट्स हो सकते थे, मैंने यहाँ को आपके लिए क्लियर कर दिए हैं, मैंने आपको यहाँ समझा दिए हैं। अगर आपको किसी तरह की और दिक्कत हो रही है, और कोई प्रॉब्लम हो रही है, और कोई बात समझ में आती है, या और कोई चीज़ आपको पूछनी है समझनी है, तो केमेनोफोर के बारे में कोई खास चीज़ नहीं बचती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और नई बातों को, नए रिएजेंट्स को ऑर्गेनिक के आपसे डिस्कस कर रहा हूँगा, इनऑर्गेनिक प्रैक्टिस का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर जितने पैसेज हैं उनको पढ़ते रहिए, जितने कलर्स पुराने दिए उनको पढ़ते रहिए, उनको करते रहिए, और ऑर्गेनिक कुछ नए टाइप के रिएजेंट्स जो आपके डोमेन में हैं और जिन पर हम ध्यान नहीं देते, उन्हें समझने का है। मैं उन्हीं रिएजेंट्स को आपको इस समय समझा रहा हूँ, उसी तरह के कुछ रिएक्शन को मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अगर एग्जाम में आ जाएँ तो आप घबराइए मत, अच्छे से करके आइए। तो एक ही बात कहूँगा आपसे, बहुत अच्छे से करिए, हमेशा अच्छे से करिए, और मेरी तरफ से तो हमेशा एक ही बात रहेगी, ऑल द बेस्ट।